नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों से। वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के एडवाइजरी बोर्ड के आजीवन सदस्य अंकुर गोयल बिजनेसमैन नियुक्त करने पर वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के एडवाइजरी बोर्ड के अलावा वैश्य व्यापार टीम के सभी सदस्यों ने बधाई दी। दिल्ली एक बार फिर किसानों के धरना प्रदर्शन को देखने के लिए तैयार हो गई है। इस बार भी हजारों की तादाद में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आपको बता दें, ऐसा पहली बार हो रहा है जब 201 किसान संगठन एक साथ आए हों। किसानों के इस दौरे से इस बार दिल्ली को किन हालातों से गुजरना पड़ सकता है, देखते हैं जिशान की ये खास रिपोर्ट। पिछले बार की तरह ही इस बार भी दिल्ली NCR के लोगों को इस वजह से जाम का सामना करना पड़ेगा। इस लिहाज से पुलिस का पूरा बंदोबस्त दिल्ली के सभी बॉर्डर पर है। किसान मुक्ति मोर्चा व किसानों के संसद घेराव में बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत अलग अलग राज्यों से किसान यहां पहुंच रहे हैं। रामलीला में जुटने वाले सभी किसान अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के बैनर तले इकट्ठा हो रहे हैं, जबकि किसानों के इस मार्च की अगुवाई योगेंद्र यादव कर रहे हैं। 29 नवंबर को किसान मुक्ति मोर्चा के बाद रामलीला मैदान में ही रात को ये सभी किसान रुकेंगे। वहीं किसानों के लिए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को किसान मुक्ति मार्च और 30 नवंबर को संसद घेराव कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने कमर कस ली है। दिल्ली में किसानों का गुरुवार को जहां महिपालपुर से रामलीला ग्राउंड पहुंचने का कार्यक्रम है, वहीं शुक्रवार को रामलीला ग्राउंड से संसद कूच करने का कार्यक्रम है। इसे देखते हुए जहां कानून व्यवस्था के मद्देनजर 10 अतिरिक्त कंपनी पुलिस बल की व्यवस्था की गई है, वहीं ट्रैफिक के अतिरिक्त जवानों को भी महत्वपूर्ण मांगों पर तैनात किया गया है। दिल्ली में स्थिति खराब ना हो सके, इसके लिए पुलिस उन्हें बॉर्डर पर ही रोक लेगी। उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसकी एक वजह ये भी है कि कोर्ट के आदेश के चलते दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉली पर रोक है। किसान मुक्ति मार्च के मद्देनजर जिन मार्गों से बचने की सलाह दी गई है, उनमें शामिल है महिपालपुर, धौलाकुआ, 11 मूर्ति, तालकटोरा, कनॉट प्लेस, रंजीत सिंह फ्लाईओवर और आसपास के मार्ग। सुरक्षा और कानून व्यवस्था के बाबत दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि किसान रामलीला मैदान आ सकते हैं, लेकिन यहां से आगे उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर देश भर के 200 से ज्यादा किसान मजदूर संगठन 2 दिनों तक दिल्ली में जुटे रहेंगे। एडवाइजरी में एक बात और कही गई है कि जंतर मंतर पर 1000 से ज्यादा लोगों को जमा होना प्रतिबंधित है। ऐसे में अगर किसानों की संख्या इससे ज्यादा हो जाती है तो उन्हें रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन करना होगा। रोनियार वैश्य महासभा के कानूनी सलाहकार और झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत गुप्ता ने अपने 101 समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही सेवानिवृत्त पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार गुप्ता, जीवन ज्योति के अध्यक्ष अजय गुप्ता और मिसेस एशिया रिंकू भगत ने भी भाजपा का दामन थामा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने सबका स्वागत करते हुए कहा कि रोनियार वैश्य समाज के इतने पदाधिकारियों के जुड़ने से भाजपा और ज्यादा मजबूत होगी। धीरज गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार गया में चिन्मया वादिक पब्लिक स्कूल में पत्रकारिता के सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन वात्सल्य निर्भया शक्ति और HDFC बैंक ने कराया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि एक प्रभात खबर के संपादक किशोर त्रिवेदी ने दीप जलाकर किया। संस्था के संरक्षक प्रणय कुमार सिन्हा ने सभी को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अदिति कुमार, विदुषी कुमारी, शालिनी सिंह, HDFC बैंक के मैनेजर अभिमन्यु कुमार, सीनियर मैनेजर हिमांशु चौटरे, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर शालिनी ने भी रक्तदान किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।